उन्नाव की बेटी अब हमारे बीच नहीं है। शुक्रवार रात सफदरजंग अस्पताल में मौत से जूझते जूझते वो हार गई। उसने दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत हमारे समाज, हमारे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। उसकी मौत सबूत है इस बात का कि हम सब मिलकर भी उसे बचा नहीं सके। बचाना तो दूर की बात है, हम तो उसे इंसाफ तक नहीं दे सके। आइए हमारे इस खास पेशकश के जरिए आज वो सुनते हैं जो उन्नाव की बेटी हम सबसे कहना चाहती है। सेफ्टी चाहिए। रेपिस्टों को 24 घंटे के अंदर फांसी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। सांसों का बंधन छोड़कर, जले हुए जिस्म से दर्द का रिश्ता तोड़कर, इस देश को अपनी आंखों के तराजू में तोलकर आखिर जा रही हूं मैं, आखिर जा रही हूं मैं। उन्नाव की बेटी जीने की ख्वाहिश लेकर दिल्ली आई थी, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई और अब फिलहाल उसका पार्थिव शरीर यहाँ से निकल रहा है, दिल्ली से निकल रहा है अपने घर की तरफ, उन्नाव की तरफ। अब उसका पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जा रहा है, लेकिन वो चाहती हैं कि सरकार और व्यवस्था देश की हर बेटी को ये वादा दे, ये भरोसा दे कि अब किसी और बेटी के साथ इस बेटी जैसा नहीं होगा। मैं खुद जा रही हूँ, या मुझे इस दुनिया से बेइज्जत कर, हरा कर, धकेल कर भेजा जा रहा है। ये सवाल आप सब अपने आप से मत पूछना, खुद से आँख नहीं मिला पाओगे। तो जिस दिन रखे उस दिन हम यही समझे थे कि नामुमकिन, लेकिन जब वो गले लगी ना और रोया कि भैया हमको बचा के ले जाना। सरकार से, प्रशासन से क्या मांगे, क्या कहना? सर आपको बता दिया कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ न्याय। और यही न्याय कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, ये 5 का नाम इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। जब जल कर जिस्म की चमड़ी जिस्म से जुदा होती है तो उस दर्द को तराजू पर तौला नहीं जा सकता। शब्द कम पड़ जाते हैं ये बताने के लिए कि दर्द किस हद तक होता है। मुझे उन जालिमों ने वही दर्द दिया था, सरे रहा उन्होंने मुझे पेट्रोल से नहलाकर चिंगारी दिखा दी थी। मदद के लिए मेरे पांव 1 किलोमीटर तक दौड़े और पैर रुक गए। कदम तो रुकने ही थे क्योंकि उस 1 किलोमीटर के दौरान कई लोगों ने मेरा जिस्म सुलगते देखा था, लेकिन मेरी मदद के लिए किसी ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उसके आखिरी शब्द भी यही थे कि वो जिंदा रहना चाहती थी। उन्नाव की बेटी वो जिंदा रह करके और डॉक्टरों से यही कह रही थी कि क्या वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। वो जिंदा रहने के लिए डॉक्टर जो थे, इलाज कर रहे थे, उनसे कहा, उसने उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है। काला दिवस होगा आज आपके लिए काला दिवस, मेरे लिए तो उस दिन से ही हर दिवस काला दिवस था जब से उन दरिंदों ने मेरे जिस्म को मेरी मर्जी के बिना छुआ था। उस दिन से बस एक ही उम्मीद थी कि मुझे इंसाफ मिले, लेकिन मिली तो धमकियां। शासन को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, रोज क्यों हो रहा है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में अपराधी का उसके दिल में कोई भय नहीं है। 1 साल से जो यहाँ आके, इनके घर आके, इनके पिता अंदर घुस के इनके पिताजी को पीट सकते हैं, बच्चों को धमका सकते हैं, इनके खेत जला सकते हैं, महिलाओं को धमका सकते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे हादसे होते हैं। और इस तरह के अपराध करते हैं, ऑब्वियसली उनके दिल में कोई भय नहीं है। तो शासन और प्रशासन को एकदम इसको सीरियसली लेना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में ये हालत क्यों है और कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि ये सब बंद हो। आप चाहेंगे तो भी सोच नहीं पाएंगे कि किस दहशत से गुजरा था मेरा परिवार। गांव के प्रधान के घर के बाहर आकर हमें धमकाते थे, जिंदा जला देने की धमकियां देते थे। तब किसी ने हमारी मदद नहीं की, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हाँ, आज सब जान गए हैं कि वो जिंदा जलाने की धमकी नहीं थी, वो एक सच था। क्या हुआ, बेल पे छोड़ा गया, उन लड़कों ने मेल ईगो पे अपनी बात ली और उस लड़की को जला दिया। क्या ये है हमारा कानून? क्या ये है हमारी पुलिस? क्या ये है हमारी सरकार? कानून, इंसाफ, पुलिस, ये बड़े बड़े शब्द बड़े बड़े कमरों में बैठकर बोलना सुनना आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन ऐसी कमरों से बाहर निकलकर कभी आम लोगों से पूछ कर देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि हर बेटी दहशत से जी रही है, हर आंख में काजल की जगह डर का बसेरा है, समाज में हर तरफ भेड़ियों की घूरती आंखें हैं। और इस सभी के बीच खड़े होकर खुद से पूछिएगा, कानून और इंसाफ है तो फिर ये सब क्यों है? जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। आज भी एक नारी हमारी जल गई है। उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए ताकि हमारे समाज की बेटियां खुलेआम अच्छे से घूम सके, अपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई को कर सके, ताकि ये समाज भी आगे बढ़े। हम तो न्याय चाहते हैं बेटियों के लिए। हमारी बेटियां सब सुरक्षित हों, अच्छी तरह से हों। अब बाहर निकलती हैं बेटी तो वो डरती हैं बाहर निकलने से, ऐसा क्यों है? बाहर निकलती है तो हम भी डरते हैं कि हमारी बेटी बाहर निकली है, पता नहीं सुरक्षित घर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। वो डर हमें खत्म करना है अपने अंदर से। वो डर खत्म करने के लिए हमें न्याय चाहिए। जो रेपिस्ट हैं उनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। जबकि ये रूल होना चाहिए, अगर कोई भी बंदा कोई भी इस तरह से दोष करता है या बलात्कार करने की कोशिश करता है तो उसे तत्काल ही सजा दे देनी चाहिए, मिलते ही साथ ही। मैं तो ये कहूँगी कि उन जो लोग दोषी जो हैं उन लोगों को ऐसी सजा दी जाए, उनको जलाया जाए, उनको छोटे छोटे टुकड़े किए जाएँ, जिससे और दुनिया को दिखाया जाए, सबके सामने किया जाए, जिससे कि हर लोग इंसान लेडीज से बदतमीजी से या गलत नज़र से डालने से पहले भी डरे। लोग जो बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हुए हैं उनको सहारा दे देते हैं, और जिससे क्या है कि जो अपराधी है वो बचकर निकल जाता है, तो कैसे न्याय मिलेगा? अगर कानून में असर है तो शाम ढलते ही सभ्य समाज में बेटियों के माँ बाप फिक्र में क्यों घुलने लगते हैं? क्यों किसी बेटी की स्कूटी खराब हो जाने पर उसे मददगारों से डर लगने लगता है? क्यों किसी का आंचल खींचते वक्त हैवानों को हवालात याद नहीं आती? और इंसाफ की चिड़िया ढूंढने के लिए बेटियों को हाथों में तख्ती लेकर सड़कों पर क्यों आना पड़ता है? हमारी बेटी को सेफ्टी चाहिए, फांसी दो। मोदी को बोले फांसी दो। इनको डबल से डबल फांसी, डबल से डबल सजा इनको मिलनी चाहिए, जो कि सारे देश को पता चले। सारे देश को पता चलना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। और दरिंदों के माँ बाप को भी सजा होना चाहिए कि जे अपने बच्चों को हमारा और इतना पैसा दे दे के घुमाते हैं और पुलिस को रिश्वत दे दे के घुमाते हैं। जो मेरे माँ बहन को ऐसे लूटी जाती है, इसे जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए 24 घंटे के अंदर। हमारी माओ बहनों के लिए कानून लाओ, रेपिस्टों को 24 घंटे के अंदर फांसी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। सच यही है कि खाकी भी खादी की तरह भरोसे की कलफ खोती जा रही है, इंसाफ की लौ हल्की होती जा रही है। डर अब बेटियों की जिंदगी का हिस्सा बन चला है। अगर महिला इधर से उधर तक अकेली नहीं चल सकती, भय में उसको रहना पड़ रहा है। वो काम के लिए 9 साल की महिला अगर स्कूल जाने से डर रही है क्योंकि उसको धमकाया जा रहा है, तो कैसा प्रदेश बनाया आपने? पहले बात सिर्फ असमत तक थी, अब नया चलन है हैवानियत के बाद बेटियों को जिंदा जला देने का। जैसे ये पूरा मुल्क बेटियों के लिए एक जंगल बन गया है जहां सिर्फ एक ही कानून है, जिसके पास ताकत है वो दूसरे को खा जाएगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। सर महाराज जी कुछ बता दीजिए, उन्नाव वाले में बता दीजिए कुछ। महाराज जी उन्नाव मामले में कुछ बता दीजिए। ये खामोशी ठीक नहीं, ये चुप्पी खतरनाक है, क्योंकि किसी को तो आगे बढ़कर ये कहना होगा कि हर बेटी महफूज रहेगी, हर बेटी को इंसाफ मिलेगा। जैसे हैदराबाद में कांड हुआ है और इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी गई है, या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए। इसके अलावा हमको ना कोई धन का लालच है ना कोई चीज का लालच है कि हमारा बिल्डिंग बन जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। मेरी मदद के लिए कोई हाथ नहीं उठा, ठीक वैसे जैसे हैदराबाद की बेटी को चलते हाईवे पर कोई मदद नहीं मिली। मैंने इंसाफ की लड़ाई लड़ने की ठानी तो तोहफे में मौत मिल गई। क्या यही इंसाफ है? बहुत दुख होता है कि जो लड़की इतना जीने की इच्छा रख रही थी, उसने कल भी अपने ब्रदर को बोला है कि मुझे जीना है, उनको छोड़ना नहीं दरिंदों को। ऐसी दुर्गति होना और ऐसे फाइटर लड़कियों का चले जाना इस देश से बहुत, हमारे देश पे एक बहुत बड़ा शर्म है और एक धब्बा है। अगर ये सिर्फ मेरे साथ होता तो भी फिर कोई बात नहीं थी। अफसोस तो ये है कि ऐसा लगातार हो रहा है, देश के हर शहर हर हिस्से में हो रहा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ है तो वो है कानून की, सरकार की लाचारी पर लोगों में बढ़ता गुस्सा। ये ठीक नहीं है। मैं तो चली गई, लेकिन देश की करोड़ों बेटियां अभी भी सहमी हुई हैं, सहमी हुई हैं इस डर से कि कहीं मेरे बाद अगला नंबर उनका ही तो नहीं। मेरी धड़कन की आवाज क्या थमी, अब हर तरफ शोर है। इसी शोर के बीच खामोशी से राजनीति भी दबे पांव आगे बढ़ रही है। सत्ता खामोश है और जो सत्ता से दूर हैं वो इंसाफ के कलमे पढ़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बेटियां कैसे बच सकती हैं, सरकारें कैसे चल सकती हैं, इंसाफ कैसे मिल सकता है। क्या करती रही सरकार, क्यों नहीं सुरक्षा दी गई उस उन्नाव की और उत्तर प्रदेश की बेटी को? ये हम सब के लिए शर्म की बात है और पूरी तरीके से मैं भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। सियासत भी क्या चीज है, इसमें हर तीर चलाने वाला ये भूल जाता है कि कभी वो खुद भी सत्ता में थे और उनके जमाने में भी दिल्ली में चलती बस ने इंसानियत का चेहरा कुचला था। तब भी एक मौत हुई थी, अब भी एक मौत हुई है। ये शायद उस मौत को भूल चुके हैं, मेरी मौत को भी यूं ही भुला दिया जाएगा और भूलने भुलाने के इसी खेल में सबसे अहम साल दब जाएगा। सवाल ये कि इस दर्द के सिलसिले को रोका कैसे जाए। जब तक राज्य सरकारें पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपराधिक जो तत्व हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ समय से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो इस किस्म की घटनाएं आगे रुकेंगी नहीं। शायद यही सच है। आज देश की सीता को सख्त कानून की लक्ष्मण रेखा भी चाहिए और तेजी से मिलते इंसाफ की तलवार भी। तभी हैवानों में कानून का खौफ पैदा होगा, तब कोई शिवम शादी का झांसा देकर किसी बेटी की असमत से नहीं खेलेगा जैसे मेरे साथ खेला गया। तब कोई शिवम किसी बेटी को अपने दोस्त के सामने वैसे नहीं परोसेगा जैसे मुझे परोसा गया। तब कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर कोई दरिंदा जमानत नहीं ले पाएगा और जमानत मिलने के बाद मुझ जैसी किसी बेटी को सड़क पर जिंदा नहीं जलाएगा। मेरा कहना यह है कि रेप के जो एक्यूज हैं, उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये कि और जितने हिंदुस्तान में इस समय जो रेप के एक्यूज घूम रहे हैं उनको फौरन पकड़ के आप जेल में डालो, सबसे बड़ा इलाज ये है। मैं मौत से दर्द से हार जरूर गई, लेकिन मेरी हिम्मत को कम मत आंकना, मत भूलना। मैं शोलों से लिपटे अपने शरीर को लेकर 1 किलोमीटर तक दौड़ी थी। मैंने दर्द से तड़पते हुए भी पुलिस को बयान देकर गुनहगारों के नाम बताए थे। मैं मौत से पूरे 43 घंटे तक लड़ती रही। दर्द से जिस्म सुन पड़ गया था, तब भी मुझ में जीने की ललक बाकी थी, लेकिन मेरा जिस्म मेरे इरादों से कमजोर निकला। मेरी हार हुई, दर्द जीत गया। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को बख्शने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। कुछ दिन बाद लोग मेरे साथ हुई हैवानियत को भुला देंगे, लेकिन सिस्टम को ये याद रखना होगा कि अब देश का गुस्सा बढ़ रहा है। अब ये देश और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अब सिस्टम के हिस्से बगावत करने लगे हैं और अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये बगावत और बढ़ेगी। हैदराबाद की बेटी को जैसे इंसाफ मिला, उसके बाद अब इस देश को चलाने वालों को सोचना होगा कि अगर जल्द ही उन्होंने सिस्टम को नहीं बदला तो सिस्टम खुद ब खुद बदलने लगेगा और ये अच्छा नहीं होगा। देश के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेहतर के विरोध की इस चिंगारी को देश चलाने वाले इंसाफ के पानी से वक्त रहते बुझा दें। अलविदा।